अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेशंस अगेन। एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन ऑन पेज नंबर 127। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस एडजेसेंट एंगल्स। सो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? सो two angles are said to be adjacent angles when they have a common arm and a common vertex, means aap two angles ko adjacent angles tab kahenge jab unki ek arm common hogi aur unka vertex bhi common hoga, right? So you can see examples on given on page number 127, that here is a picture in which we have two angles. The first angle is LMO, okay, this is the first angle, and the second angle is NMO. So here are two angles, LMO and NMO, and you can see these two angles are called adjacent angles. Why? Because aap dekhenge LMO aur NMO mein ye jo arm hai MO, ye kya hai, in dono angles ki common arm hai, means ye angle LMO mein bhi ye arm hai aur angle NMO mein bhi ye arm aapko nazar aa rahi hai. So this is the common arm for both the angles, theek hai? और आप देखें इनका वर्टेक्स भी कॉमन है, मींस LMO, एंगल LMO में भी वर्टेक्स M है, ठीक है, ये पॉइंट, और एंगल NMO में भी वर्टेक्स क्या है, M है, ठीक है। सो जब भी जो टू एंगल्स आप देखेंगे जिनकी एक आर्म भी कॉमन होगी और जिनका वर्टेक्स भी कॉमन होगा, ठीक है, मींस के दोनों एंगल्स की एक आर्म कॉमन होगी और एक वर्टेक्स कॉमन होगा, तो ऐसे एंगल्स को आप क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करूँगी, आप देखिए आगे। Now you can see on page number 128 that what will be the cases in which two angles are not adjacent angles. So you can see here, first here are two angles. The first one is angle ABC and the second one is angle BCD. Now you can see in these two angles BC is a common arm of these two angles. जो बी सी है ये एंगल ए बी सी में भी है और एंगल बी सी डी में भी है। सो दिस इज़ द कॉमन आर्म ऑफ दीज टू एंगल्स, बट दीज टू एंगल्स डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। इनमें कॉमन आर्म तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो इन दिस केस एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर नॉट एडजेसेंट, कि आपके पास ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, राइट? सो एक और आप एग्जांपल देखें यहाँ पे। सिमिलरली इन द फिगर बिलो देर आर टू एंगल्स, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस, ओके, द फर्स्ट वन इज पी क्यू आर एंड द सेकेंड वन इज पी क्यू एस। अच्छा, अब आप इन दोनों एंगल को देखें, एक एंगल है पी क्यू एस, दिस वन द ग्रेटर वन, एंड द सेकेंड एंगल इज पी क्यू आर। अब आप इन एंगल्स को देखें तो इनकी ये जो पी क्यू एस एंड पी क्यू आर, ठीक है, हैव अ कॉमन आर्म। इनकी कॉमन आर्म देखें, इनमें आपको क्यू आर नज़र आ रही होगी एंड अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज़ क्यू, लेकिन उसके बावजूद भी दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग, मीन्स ये इस एंगल के साथ इसके ऊपर ये दूसरा एंगल बना हुआ है, सो ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली वेदर द एंगल्स आर एडजेसेंट और नॉट। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज़ नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे है पी क्यू आर, पी क्यू आर, right, and SQR. The first angle is PQR, मैं यहाँ पर लिख दूँगी angle PQR and angle SQR, that is angle SQR. So these are adjacent angles PQR and SQR. QR is their common arm, ठीक है, QR
कॉमन आर्म है पी क्यू आर की भी और एस क्यू आर की भी, और वर्टिक्स क्या है यहाँ पे क्यू. एंड देयर इज अनदर एग्जाम्पल दैट इज यू हैव टू नेम द एंगल. सो हाउ विल यू नेम देम? दैट इज एम ओ एन. द फर्स्ट एंगल इज एंगल एम ओ एन. यू हैव टू नेम दिस एंगल्स वेरी केयरफुली. ओके, एम ओ एन. एंड द सेकेंड एंगल इज एंगल पी ओ एन, और यू कैन से एन ओ पी. ठीक है, एंगल पी ओ एन. आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं पी ओ एन और एन ओ पी, सेम बात है. ठीक है, सो एडजस्टेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एम ओ एन एंड एंगल पी ओ एन. यहाँ पे देखिए ओ एन इनकी कॉमन आर्म है एंड ओ इज द वर्टिक्स ऑफ दीज एंगल्स. सो दिस इज द वे इन विच यू कैन नेम एडजस्टेंट एंगल्स, राइट?